काका बाप दान राम राम हूँ आ गया तुम्हारी सुमा मुकेश परमार खबर ले केवी रीते तुम बात करी कि झाबुआ जिला ने एक ढेकल गांव की जो घटना से तीन घटना में एवं रीते थाय कि हारे जो हारो से तीन वोव ने तीन घटना करना तीन हत्या कर नाखी अने के भाटो दे तीन घटना ने केवी रीते बात करी तो मैं बात बताड़ी इन पहले कि तिने हारे आने तीन वोव नो एवं रीते घटना करी कि कहीं हाथ मोबाइल हाथ बात करते ली और रात ने एक वगे आसपास की जो घटना होती एनी बाद तिने तीन वोव ने तीन भाटो दीन और तीन मार नाखी फिर मालूम पड़ू कि सोर आया कर बहार पाड़ी तो गामना लोग भेगा थाई गया क्योंकि हाँ ते घटना होती ते भाटो दीन या तीन आटी पाड़ी जीव रीते तिने मारवानो तीन विधि तिने कळ्यू थी तिने मार नाखी लेकिन हाँ थावानी घटना ते तो थाई गई लेकिन हाँ गामना लोग हूँ कहवानू आस पड़ोसना हूँ कहवानू तो ती हूँ हाँ फिर एक प्लानिंग करी कि सोर कर बहार पाड़ी बाद आखा गामना भेगा थाई गया तो भेगा थाई गया तो हाव इनमें के कम करीन मालूम पड़े कि केवल लोग हताड़वाने से घटना जो होती थे थाई गई लेकिन तिनी हारो तिने हारे एक प्लानिंग करी आन एक नवी कड़ियों करियो तो तिनी हारो एम कहदू कि हाव ये घटना थाई गई सोर हुतेला आवेला त्या नाही पड़िया आन ती हूँ मारी आन नाही पड़िया एवं रीते गाँव वाला बदा ने कहदू तीन फलियाना कहदू क्योंकि पहला जमाना तुम्हें सांभ्यो है कि जब गाँव में कहीना ने घेर सोर आवे या कहीना परेशानी हो या कहीं कई रात में घटनाएं थाय तो त्या हूँ करे गाँव में बहार पाड़ दे आन मोटे मोटे थी बहार पड़े तो गाँव में बदा कूतेला हो या कहीं भी हो सुख तो त्या भेगा थाय तीना व्यक्ति की मदद करवा दौड़े चाहे वो सोर होता हो या कहीं भी हो लेकिन भेगा थाय जाए बजायेला गजायेला के भी रीतने भी हो लेकिन एवं रीतने कहीं घटना थाय तो भेगा थाय तीन बड़ी बातों आन तीने जो घटना थाय तीनों निराकरण कर सके एवं रीते आ झाबुआ जिला ढेकल गाम की जो घटना से 15 तारीख की आसपास की ये घटना इनी घटना में ते तिहूनी वह होती तिनी हत्या तिने हारे कर नखी क्योंकि खटपट घेर में थातेलू रहतेलू पहले भी बोलचाल कई हाहो अन वह ने हाहो अने हारा नी कहीं कई घटनाएं साथी करती नहीं मतलब कसाटो सालती हो रही हर घेर में कहीं कहीं नानी खटपट तो सालती रहे तो हेवी रीते कहीं दिमाग में ली ले दू अन फेर तिने एम कह मारो सोरो गुजरात रहो अन ये कूनी हाथे बातें कर रही मोबाइल में तिनी मोबाइल में रातें एक वगे कूनी हाथ बात करे एम कर तिने हारे खिसवाई लो आवी अन तिनी वह ने भाटो दे दो अन आडीपाड़ नाखी आडीपाड़े फिर तिने माथा मजू देवानु हतु तिने दी अन इनी घटना अंजाम दी नाख्यो अन तिनी महिला ने मार नाखी हारे तिनी वह ने तो हेवी रीते फिर ते घटना हताड़ नाखी गामना लोकुन तेड़ू कर गांगरीन बोलाया बदा ने फिर बोलाई फिर कह दू कि हाँ इनी रिपोर्ट कराव पड़े क्योंकि सोर आवेला हमारे घेर सोरे आवी तिनी ने हमारी वोब ने मारी नाही गया एवं रीतनी एक परिवार बधाई थाय रणनीति बनावी अंत्यो नियम बनावी रिपोर्ट करावी पुलिस ने सूचना आली पुलिस गई फिर पूरी छानबीन करी अन आखिर हारो ही तिनी वोब नी हत्या करवा वालो निकलो क्योंकि पूछताछ पुलिस ने करी तिनी पूछपरख करी पूरी हर चीज की बारीकी थी लेकिन कहावत हो कि आदमी केतरो भी सतीर हो या केतरो भी कलाकार हो लेकिन कहीं कहीं एवी कड़ो छोड़ी जाए जो तीनों सबूत बनी जाए तीन सबूत ना आधार थी आखिर वोवनी हत्या करने वालों हारो निकलो हेवी रीते आ झाबुआ पुलिस तीन खुलासा करो तो मन देखा रो है कि यो आरोपी यो जो शैतान करीन नामनो से जो आरोपी से ढेकलनी जो घटना से तो किनी एवं रीतनी खुदनी वोवनी हत्या करी अन केवी रीते हाँ जेल नी सलाखों में जाइ रो आज झाबुआ पुलिस कोर्ट में मोकल नाख्या आज इन्हें पूरा मामला पर खुलासा करवा झाबुआ टीआई नी पूरी टीम आन झाबुआ एसपी से नवो आयो तिने नवी काम शुरुआत करना की केवी रीते अपराधी पकड़वानी नवी नवी कड़ियों थी करी रखियो तो हेवी रीते आज हूँ कोर्ट में मोकल नाखे हाँ ये जेल नी सलाखों में जाए आन एनी बात हेवी रीतनी घटनाएं होशू करव हो तो तीन पहले विचार करव जो है क्योंकि आज पूरो घेर परिवार तूटी गयो तिना का कारण थी एक नी हत्या करे अने पूरो घेर बार तूटी जाए तो हेवी रीते खलक घटनाएं थोड़ीक बार ने विचार करव जो है क्योंकि थोड़ीक बार गुस्सो आए आदमी ने गुस्सा में केवी रीतने एक ही परिवार में एवं बधी कड़ियों थी गये कहीं भी गुस्सो आए तो थोड़ीक बार जगह छोड़ी या ती जगह छोड़ी वेगड़ा ना आई सके ताकि जब तक गुस्सो अने रे पूरी नहीं थे तक नहीं आई सके मारे एवं रीतन कहवा से लेकिन आज झाबुआ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया हमें बड़ी बातें कह दियो आखिर ते भी तुम सांभ आखिर हूँ कह दू ती हूँ 15 मार्च 2024 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकलबड़ी गांव में
कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने में सूचना दी गई, तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ, एडिशनल एसपी साहब, एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नू बाई था वो वहाँ पे घायल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसके सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर पर उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था, सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे, और जो मृतिका सन्नू बाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था, इसमें सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई, और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बैरी को मारो, तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी, जो उस गांव का कोटवार था। तो पुलिस ने FIR कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पर विस्तृत SDO/MP साहब और एडिशनल SP साहब और TI साहब ने इसमें और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इस पर घटना की जांच की, काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नर्सिंग से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था, और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा वो हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नू बाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कारित की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको, तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी, तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया, और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया सन्नू बाई को। तो इन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था जो उसको नहीं लगा, और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो।